लॉकडाउन में मिठास के साथ रोजगार भी दे रहा है गुड़ उद्योग। कोरोना महामारी से जूझती जिंदगी के लिए मुजफ्फरनगर जिले में गुड़ उद्योग जीवन की धुरी बन गया है। कोल्हू में बनने वाला गुड़ मिठास के साथ ही हजारों लोगों को रोजगार भी दे रहा है। मुजफ्फरनगर के गांवों में गुड़ की सौंधी महक हवाओं में बिखरी है। 3,000 से अधिक कोल्हुओं पर निरंतर गुड़ बनाने का काम चल रहा है। सरकार ने गुड़ बनाने वाले कोल्हुओं और चीनी मिलों को लॉकडाउन से मुक्त रखा है। हमारे यहाँ जब से लॉकडाउन हुआ है तो 2-4 दिन तो मंडियाँ बंद रही, उसके बाद हमारे यहाँ लगातार गुड़ आ रहा है। इससे किसानों को भी खेत खाली करने में, अपना गन्ना काट के खेत खाली करने में सुविधा हो रही है। वो आगे गेहूँ की कटाई करेंगे और हमारे जो मजदूर हैं उनको भी रोज़गार मिल रहा है। यहाँ पर जो गुड़ आता है वो पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई होता है, पंजाब, बिहार, गुजरात, राजस्थान और दूर सुदूर आंध्र प्रदेश और केरल तक यहाँ से गुड़ जाता है मुजफ्फरनगर का। मुजफ्फरनगर में स्थित एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी भी लगातार खुल रही है। कोल्हू संचालक गुड़ बनाकर यहां आपूर्ति कर रहे हैं। मंडी से गुड़ देश के कोने कोने तक पहुंच रहा है। लॉकडाउन में गुड़ व्यापार रोजगार का एक बड़ा विकल्प बन गया है। 5-7 मजदूर हैं, अपना काम चल रहा है, इसमें यूं लग रहा था इसमें भी काम चल रहा है, अपना मजदूर कर रहे, बारे बच्चों को कोल्हू चल रहा है हमारा, ठीक सामान मुजफ्फरनगर माल जाते हैं जी, माल तो मंडी के बाहर बिकेगा जी। गुड़ के उत्पादन को देखते हुए सरकार ने इसे एक जनपद एक उत्पाद में भी शामिल किया है। यहाँ ये गुड़ लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों में ग्रामीण अंचल के किसानों और मजदूरों के लिए रोजगार का एक प्रमुख साधन बनकर उभरा है। मुजफ्फरनगर से रणवीर सिंह सैनी के साथ संतोष चौधरी की रिपोर्ट, टीडी न्यूज़।